कानपुर में देर रात शातिर बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एडीजी जय नारायण सिंह ने घटना की पुष्टि की है। 4 पुलिसकर्मी घायल भी हैं। घटना कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव की है। पुलिस शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी। जान गंवाने वालों में CEO बिलहोर देवेंद्र मिश्रा और SO शिवराजपुर महेश यादव भी शामिल हैं। बताया गया है कि विकास और उसके साथियों की फायरिंग में SO बिठूर एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। 2 सिपाहियों के पेट में गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई सिपाहियों को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ, वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर। इसी सूचना पर CEO बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और SO चौबेपुर और SO शिवराजपुर और SO बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं। तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी, जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके चारों तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे CEO साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, SO शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ और 5। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और CEO को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कंपनी प्रारंभ कर दी है, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं, और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.